हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, अपने डिस्कस चल रहा था सीरियल क्रॉप्स, और सीरियल क्रॉप्स में अपनी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है राइस कल्टीवेशन। जैसा कि अपने वीट कल्टीवेशन के अंदर बात कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड जो सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप और फूड ग्रेन क्रॉप है वो राइस है। अगर बात की जाए एशिया की और इंडिया की, तो यहाँ का तो ये मेजर स्टेबल फूड है, और पूरे वर्ल्ड का जो 90% राइस प्रोडक्शन होता है वो एशिया के अंदर होता है। कहने का मतलब राइस कंजप्शन जो सबसे ज़्यादा है वो एशिया में है। एशिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड ग्रेन्स जो है वो राइस है, सेकंड पे वीट है। ऐसा ही इंडिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड ग्रेन राइस है, यानी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का होता है, और सेकंड पोजीशन जो है वो वीट की है। लेकिन वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बता दी थी, वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो वीट का होता है। सबसे पहले अपने बॉटनिकल इंट्रोडक्शन में चलते हैं। तो बॉटनिकल इंट्रोडक्शन में राइस का बॉटनिकल नेम है ओराइजा स्टाइवा, और इसकी जो फैमिली है पोएसी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं उनमें फैमिली जो है वो पोएसी या ग्रेमिनी या फिर अपने ग्रासेस फैमिली बोल लेते हैं। ओरिजिन जो है राइस का वो है इंडो बर्मा। अगर हम रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पार्ट पड़ता है। इनफ्लोरेसेंस स्पाइक होता, पेनिकल, जो इनफ्लोरेसेंस होता है राइस का वो पेनिकल होता है। टाइप ऑफ जो फ्रूट होता है वो कैरियोप्सिस होता है। सभी सीरियल्स क्रॉप्स में जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो कैरियोप्सिस होता है। लीडिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश है। ये प्रोडक्शन वाइज है, अगर अपने प्रोडक्टिविटी वाइज बात करें तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको पंजाब में देखने को मिलती है। वीट की और राइस की जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब में है, लेकिन राइस है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है, और वीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो उत्तर प्रदेश में होता है। परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो राइस के अंदर 77-79% के आसपास कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। परसेंटेज ऑफ फैट की बात करें तो फैट कंटेंट इसमें 2.2-2.5% तक इसमें फैट कंटेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो राइस सीरियल में सबसे कम प्रोटीन कंटेंट वाला सीरियल होता है, इसमें ओनली 6-7% प्रोटीन होती है, वो भी ब्राउन राइस की बात चल रही है। और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है वो वाइट राइस अवेलेबल होता है, जिससे ऊपर की जो लेयर होती है वो रिमूव कर दी जाती है और उसमें ही मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो मार्केट में जो वाइट राइस आता है उसमें तो लेस देन 5% प्रोटीन देखने को मिलता है। आपने ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स पढ़े होंगे, उसके अंदर सुना होगा प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कवासिक्योर और मोरासमस जैसे डिजीज देखने को मिलते हैं। ये कवासिक्योर और ये मोरासमस डिजीज जो राइस बेल्ट है उसी में सबसे ज्यादा। देखिए, आपको माइंड में एक चीज क्लियर रखनी है, अगर मैं बात करूं कि हस्क के साथ राइस होता है, यानी उसका छिलका साथ में होता है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो उसको हम पेडी बोलते हैं। अगर हम उसका हस्क रिमूव कर देते हैं तो उसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं। और ये जो लेयर होती है, इसको ब्रेन बोलते हैं। अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। अगर इसको रिमूव कर देते हैं तो उसको अपने पॉलिशिंग या मिलिंग बोलते हैं। उससे सफ़ेद दूध या रंग का चावल निकल जाता है, ये वाइट राइस होता है। मार्केट में जो अट्रैक्ट करता है वो वाइट राइस अट्रैक्ट करता है, ब्राउन राइस है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसलिए राइस के अंदर जो है वो मिलिंग या पॉलिशिंग पॉपुलर है। देखो, ये तो है छिलके सहित, यानी हस्क के साथ होता है, इसको अपने होल्ड राइस बोल देते हैं या पेडी बोल देते हैं। इसको थ्रेसिंग से क्या करते हैं, सीड और हस्क को अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, जिसको हम हुलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये हुलिंग प्रोसेस होती है, हुलिंग प्रोसेस से अपने को मिलेगा ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में देखो, ये ऊपर वाली जो लेयर होती है, ब्रेन लेयर होती है, इसमें प्रोटीन रिच होता है, इसमें लगभग 12-15% प्रोटीन होता है, जो ऊपर वाली ब्राउन लेयर होती है। और हम इसको क्या कर देते हैं, सुंदर बनाने के चक्कर में इसको रिमूव कर देते हैं, जिससे ये आपके वाइट राइस सामने आ जाता है, और वाइट राइस में तो प्रोटीन 5% से भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि जिन एरिया में राइस स्टेबल फूड होता है वहाँ प्रोटीन डेफिशिएंसी देखी जाती है। अब देखिए, ये अनहोल्ड राइस है, छिलके के साथ है, हमने इसे छिलका अलग किया तो ये ब्राउन राइस बन जाता है, और फिर जब हम इसकी ब्राउन लेयर को हटा देते हैं तो ये वाइट राइस बन जाता है।
ढंग से समझने के लिए आप देखो, ये जो ऊपर वाला मैंने रेड से कलर में दिखाया है, डार्क रेड में, ये हुल है। इसको रिमूव करेंगे तो हुलिंग कहलाएगा। उसके बाद ये ब्राउन जो लेयर है देखो, ये है पेरिकार्प की। इसके अंदर लेयर जो है वो टेगमन की लेयर है। और इसके बाद देखो, ये जो मैंने यहाँ दिखाया है येलो से कलर में, ये एल्यूरॉन लेयर होती है। इन तीनों को मिला के अपने ब्रेन बोलते हैं। इन ब्रेन को रिमूव करना ही क्या कहलाता है, पॉलिशिंग या मिलिंग कहलाता है, जिससे वाइट राइस सामने आ जाता है और जिससे प्रोटीन का लॉस तो होता ही होता है, उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। इसलिए ब्राउन राइस जो है वो खाने में बढ़िया होता है और वाइट राइस होता है वो लेस न्यूट्रिटिव होता है। बट वाइट राइस अट्रैक्टिव होता है लोगों को, सुंदर दिखने में, पता है लोग अपीयरिंग पे जाते हैं ना, अपीयरिंग पे मरते हैं, तो वो अपीयरिंग के चक्कर में जो न्यूट्रेंट्स है उसका लॉस कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पेडी यानी अनहुल्ड राइस क्या है, ब्राउन राइस क्या है, वाइट राइस क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राइस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट की। तो इसमें सबसे पहला है CRRI। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड एट कटक उड़ीसा एंड इस्टैब्लिश इन ईयर 1946। नेक्स्ट है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, लोकेटेड एट लॉस बोनास मनीला फिलीपींस एंड इस्टैब्लिश इन 1960 में इसको इस्टैब्लिश किया गया था। जैसा कि आपको पता हो, 29 दिसंबर 2018 को इसका साउथ एशियन रीजनल सेंटर है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस्टैब्लिश किया गया है। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशियन रीजनल स्टेशन जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर 2018 में इस्टैब्लिश किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट राइस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राजेंद्र नगर हैदराबाद वाज इस्टैब्लिश इन 1965 में ये इस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट अपने चलते हैं थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन पे और डिस्कस कर लेते हैं अपने। देखो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो फैमिली है ग्रेमिनी इज ऑल्सो नोन एज पोएसी। राइस की सब फैमिली है बेम्बोसोडिएई और इसका ट्राइब है ओराइजेई और जीनस है ओराइजा। ठीक है, कई बार क्लासिफिकेशन में पूछ लिया जाता है, बाकी चांसेस कम रहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो राइस की वर्ल्ड के अंदर 24 स्पीसीज देखने को मिलती है, जिसमें से दो है वो कल्टीवेटेड है, एक तो ओराइजा स्टाइवा है और दूसरी ओराइजा ग्लेबेरिमा है। ये दो है कल्टीवेटेड है, बाकी सारी की शायद वाइल्ड स्पीसीज है। तो इन दो पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने। ओराइजा स्टाइवा, इट इज मोस्टली कल्टीवेटेड इन एशिया, इट इज 3 सब स्पीसीज। वैसे तो वर्ल्ड का 90% जो राइस प्रोडक्शन होता है वो एशिया में होता है, और एशिया में मोस्टली कौन सा कल्टीवेट किया जाता है, ओराइजा स्टाइवा। इट मीन्स क्या हुआ कि ओराइजा स्टाइवा ही सबसे ज्यादा पॉपुलर कल्टीवेबल स्पीसीज है। ठीक है, एशिया में मोस्टली इसी को ग्रो किया जाता है। इसको हम 3 सब स्पीसीज में क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें सबसे पहला है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका, नाम ही इंडिका है तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है। इट इज कल्टीवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन इंडिया एंड एशिया, द स्पीसीज इज ग्रोन एट मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया में सबसे ज्यादा ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका ही ग्रो की जाती है और इंडिया में तो मोस्टली ग्रो ही इसको किया जाता है। नेक्स्ट है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेपोनिका, इट इज मोस्टली ग्रोन इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन की वेराइटी है और सॉरी स्पीसीज है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेपोनिका। वहीं पे ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका की बात करें तो इसको मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ग्रो किया जाता है और इंडिया में मोस्टली इसी को ग्रो किया जाता है। एशिया में भी अगर मैक्सिमम एरिया देखने को मिलेगा तो ओराइजा स्टाइवा वेराइटी इंडिका का ही देखने को मिलेगा। थर्ड वन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जवेनिका, जवेनिका है ये इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है और इसको बालो राइस भी कहते हैं, इसको अपने बालू राइस भी कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेवेनिका, ना बालू राइस है वो किसको कहा जाता है, ओराइजा स्टाइवा वेराइटी जेवेनिका को कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो है ओराइजा ग्लेबेरिमा, ये अफ्रीका में कल्टीवेट की जाती है। ग्लेबेरिमा जो है वो अफ्रीका में, और अफ्रीका में एशिया के मुकाबले राइस प्रोडक्शन कम ही होता है, लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव होती है, लॉगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फसल गिरती बहुत है इसमें। सेटरिंग इन पेनिकल, पेनिकल में सेटरिंग बहुत देखने को मिलती है
और अपने यहाँ पे इसकी जो पॉपुलर वेराइटी है GC14 है, बाकी की तो वेराइटी का डिस्कस करेंगे अपने, इसकी एक पॉपुलर वेराइटी है GC14 है, ठीक है। और बाकी जितनी भी स्पीसीज है हमने बताई वर्ल्ड में कितनी स्पीसीज है, 24, जिसमें से कल्टीवेटेड कितनी है 2, बाकी 22 है वो कौन सी है, वाइल्ड स्पीसीज देखने को मिलती है ओराइजा के अंदर, ठीक है। ये हो गया इसके स्पीसीज का थोड़ा बहुत डिस्कशन, अब अपने इसके जनरल इंट्रोडक्शन में चलते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड होता है राइस, 100 डे प्लांट होता है। इसकी कुछ एक वेराइटियां हैं जिससे मैं बात करूं, पद्मा है, जया है, ये डे नेटल वेराइटी है, इनको अपने राउंड द ईयर ग्रो किया जा सकता है। पद्मा जया जैसी वेराइटियां हैं, ये डे नेटल वेराइटियां हैं, डे न्यूट्रल है, इनको राउंड द ईयर ग्रो किया जाता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो राइस है वो क्या है, 100 डे प्लांट है। अगर अपलैंड राइस की बात करें, जहां पर राइस में पानी नहीं खड़ा रह सकता, उसके अंदर कोलियोराइजी इमर्ज फर्स्ट, कोलियोराइजा होता है वो पहले इमर्ज होता है। कोलियोराइजी इमर्ज होने का मतलब है कि यहां पे रूट इनिशिएशन पहले होता है, और लोलैंड राइस होता है वहां पे कोलियोपटाइल्स होता है वो पहले इमर्ज होता है, यानी सूट है वो पहले निकलती है। अपलैंड में रूट पहले निकलती है और जो लोलैंड है वहां पे सूट पहले निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट रूट सिस्टम की बात करें तो फाइबर्स रूट सिस्टम होता है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर तक की डेप्थ इसकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना बट फर्स्ट इन एरिया अमंग द वर्ल्ड। देखो इंडिया जो है वो राइस प्रोडक्शन में चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है, बट अगर हम एरिया वाइज बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में इंडिया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका मतलब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो चाइना के कंपैरिजन में कम देखने को मिलती है। इंडिया प्रोड्यूस 19% ऑफ द वर्ल्ड राइस, पूरे वर्ल्ड का लगभग 19% जो राइस प्रोड्यूस करता है वो अकेला इंडिया करता है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया इज द वेस्ट बंगाल एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑफ पंजाब, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। मैक्सिमम प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल का होता है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है वो आपको पंजाब की देखने को मिलती है। C3 है, 100 डे है, बता दिया। पद्मा और जया है वो डे न्यूट्रल वेराइटियां भी है। राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ओराइजिन प्रोटीन है वो राइस में देखने को मिलता है। राइस के अंदर प्रोटीन है वो सीरियल में सबसे कम होता है, 6-7% होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो धान का कटोरा कहलाता है वो छत्तीसगढ़ कहलाता है, ठीक है। प्रोडक्शन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना ना, प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल का होता है और बाउल ऑफ राइस है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। राइस विथ हस्क इज नोन एज ब्राउन राइस, हस्क के साथ या जो ऊपर लेयर होती है, ब्राउन लेयर होती है, उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा मिलिंग, राइस मिलिंग के अंदर, तो उसके साथ तो ब्राउन राइस होता है, जब अपने उसको हटा देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तब उसको व्हाइट राइस कहते हैं। मिलिंग इन राइस में अपने कंप्लीट इस पर डिस्कस करेंगे। राइस की जो ड्वार्फनेस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन है वो DGU जीन है। कौन सा जीन है? DGU जीन है। टेस्ट वेट अगर अपने राइस की बात करें तो राइस का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम, वहीं पे बासमती राइस की बात करें तो बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 21 ग्राम होता है। सुपर राइस, जो सुपर राइस है वो किसने डेवलप किया था? गुरुदेव सिंह खुश ने डेवलप किया था, इनके लिए इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला है। सुपर राइस या सुपर वीट क्या होता है? नॉर्मली जो लोकल वेराइटी होते हैं उनके कंपेरिजन में जिनका प्रोडक्शन 1.5 टाइम ज्यादा होता है उनको अपने सुपर राइस या सुपर वीट कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सुपर राइस की बात करें तो सुपर राइस की एक बहुत ही फेमस वेराइटी आपने सुनी होगी, लून सिरी जो वेराइटी है, लून सिरी है वो सुपर राइस की एक वेराइटी है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस वॉन लॉन्गपिंग, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो हाइब्रिड राइस डेवलप किया गया था वो वॉन लॉन्गपिंग ने चाइना के अंदर डेवलप किया था, इसलिए फादर ऑफ हाइब्रिड राइस वॉन लॉन्गपिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट, देखो राइस जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्रॉप है, बट अगर अपने ओराइजा जेपोनिका की बात करें तो ओराइजा जेपोनिका जो स्पीसीज है उसको टेम्परेट रीजन में भी ग्रो किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो राइस है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ग्रो किया जाता है, और सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस देता है वो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में देता है। कहने का मतलब ट्रॉपिकल कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्म करता है, ठीक है।
बाकी राइस का जो प्रोडक्शन है वो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस पर बढ़िया देखने को मिलता है और ये 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेल सकती है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ के लिए जो सबसे सुटेबल, जहां पर आपको लग्जरी ग्रोथ देखने को मिले, वो टेम्परेचर है 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस। और मैच्योरिटी के लिए, यानी जिस समय राइस मैच्योर हो रहा है उस समय जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मैच्योरिटी के टाइम जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, यानी आसमान है वो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। सोयल क्ले एंड सिल्ट लॉम सोयल होती है वो राइस कल्टिवेशन के लिए बढ़िया होती है, क्योंकि लोलैंड राइस है उसमें 5 सेंटीमीटर तक वाटर स्टैंडिंग पोजिशन में रहता है। क्ले कंटेंट ज्यादा होंगे तभी रहेगा, अगर सैंडी कंटेंट ज्यादा होंगे तो वाटर है वो पार्कोलेशन ज्यादा, पार्कोलेट ज्यादा हो जाएगा और पानी खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए क्ले सॉइल, क्ले लोम सॉइल और सिल्ट लोम सॉइल होती है वो राइस कल्टीवेशन के लिए बढ़िया होती है। राइस के लिए सुटेबल पीएच होता है 5.5 टू 6.5। राइस जो है वो एसिड टॉलरेंट क्रॉप है, इसको 4.5 पीएच तक भी ग्रो किया जा सकता है, बट अच्छी ग्रोथ आपको 5.5 से 6.5 पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपने चलते हैं ग्रोथ फेजेस में। ग्रोइंग पीरियड में जो टेम्परेचर होता है वो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। जब इनिशियल स्टेज की बात करें अपने, यानी ग्रोइंग स्टेज की, जब वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस समय अगर सुटेबल टेम्परेचर की बात करें तो 21 से 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर ब्लूमिंग पे जाएं तो ब्लूमिंग के टाइम जो टेम्परेचर होता है वो 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेल्सियस सबसे बढ़िया होता है। पेनिकल इनिशिएशन, जैसे मैंने बताया था राइस में इनफ्लोरेसेंस टाइप पेनिकल होता है, तो पेनिकल इनिशिएशन के टाइम अगर टेम्परेचर 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस है तो बहुत बेस्ट है। राइपनिंग में आपको बताया था, मैच्योरिटी के टाइम आपको बताया था 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है वो सबसे सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सोविंग टाइम की। देखो राइस जो है उसको सोविंग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अमन राइस, जिसको अपने विंटर सीजन राइस बोलते हैं या फिर आगिनी राइस भी बोलते हैं। ये यहां पे विंटर राइस का मतलब क्या है, जो जिसकी अवेलेबिलिटी विंटर में होती है। यहां सोविंग विंटर से रिलेटेड नहीं है, यहां अवेलेबिलिटी यानी जिसको विंटर में खाया जाता है उसको अमन विंटर सीजन या अगिनी बोलते हैं। इसका जो सोविंग टाइम होता है वो जून जुलाई होता है और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो नवंबर टू दिसंबर होता है और यही सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। पूरे इंडिया में 84% तक जो एरिया है वो अमन राइस का ही है, क्योंकि मानसून सीजन का बोलते, इसको विंटर सीजन है क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, उसी हिसाब से इसको बोला जाता है। बाकी खरीफ सीजन का है। 84% टोटल जो राइस प्रोडक्शन होता है, जितना राइस का इंडिया में एरिया है उसका 84% है वो अमन राइस का है। दूसरा है बोरो, वेस्ट बंगाल में बोरो कहा जाता है और उड़ीसा के अंदर इसको डलुआ भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, डलुआ भी बोलते हैं, वैसे अपने इसको ओटम राइस, ओटमम राइस या फिर समर राइस भी बोल देते हैं। इसकी सोविंग है नवंबर दिसंबर, अवेलेबिलिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ना, यानी इसकी हार्वेस्टिंग है वो मार्च अप्रैल में करते हैं, इसलिए हम इसको ओटमम या समर राइस बोलते हैं, जिस समय अपने इसको अवेलेबल होता है खाने के लिए। ये टोटल जो इंडिया का राइस में एरिया है उसका 9% एरिया पे इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है ओस। देखो ओस है वो वेस्ट बंगाल और बिहार में ग्रो किया जाता है, इसको अपने रेनी सीजन, इसकी अवेलेबिलिटी रेनी सीजन के आसपास होती है। मई जून में इसकी सॉविंग होती है और हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर टू अक्टूबर होता है। इंडिया में जो टोटल एरिया है राइस का उसका अबाउट 7% है वो ओस राइस है, उसके द्वारा कल्टिवेट किया जाता है। वैसे तो मोस्टली ये जो टाइम होता है सबसे पहला जो अमन वाला है यही सबसे ज्यादा इंडिया में ग्रो किया जाता है। वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से कुछ जुड़ा हुआ पार्ट, यानी साउथ ईस्ट एरिया जो है इंडिया का, साउथ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, वहां पर साल में 3 बार राइस ग्रो किया जाता है, बाकी मेनली खरीफ के अंदर ही ग्रो किया जाता है। और 3 बार राइस ग्रो करने के लिए जो फेमस स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, और सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन भी आपको पता हो तो कहां पर होता है, वेस्ट बंगाल में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं ओस ए बंगाली वर्ड्स, ओसु मींस अर्ली, ठीक है। नेक्स्ट है अमन, अमन एज अरेबिक वर्ड मींस स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन मींस ओस एंड अमन, बोथ खरीफ
कंस्टिट्यूट 95%, दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 95% एरिया है टोटल राइस का। इन नॉर्थ इंडिया ओनली क्रीप क्रॉप इज ग्रोन, नॉर्थ इंडिया में सिर्फ क्रीप ही ग्रो किया जाता है। इन ईस्टर्न रीजन टू क्रॉप्स ऑफ राइस इज टेकन इन अ ईयर एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ साउथर्न राइस इज ग्रो इन ऑल थ्री सीजन्स। इरिगेशन राइस मेक अप 44% ऑफ ग्लोबल राइस एरिया विच द रेनफेड लोलैंड मैक्स 45% ऑफ द ग्लोबल राइस एरिया एंड द रेनफेड अपलैंड कंपेरिज 11% एरिया। ये टोटल जो राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। दोबारा से इरिगेटेड राइस 44% एरिया पे है टोटल ग्लोबल की बात करें तो, वहीं पे रेनफेड लोलैंड की बात करें तो 45% पे है, ठीक है। वहीं पर अगर अपने रेनफेड अपलैंड की बात करें तो 11% एरिया पे है, ठीक है। ये टोटल जो राइस कल्टीवेशन होता है उसका शेयरिंग है। इन इंडिया द एरिया अंडर इरिगेटेड राइस इज 58.7% ऑफ द टोटल राइस एरिया। इंडिया के अंदर टोटल अगर अपने राइस एरिया में से इरिगेटेड एरिया देखना चाहें तो इरिगेटेड एरिया कितना है 58.7% है, 58.7% है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर अपने देखें तो 44% है, 44% है वो इरिगेटेड के अंदर आता है, बाकी सारे का सारा रेनफेड है या रेन पर डिपेंड है। नेक्स्ट अब अपने बात करें सीड रेट की। देखिए सीड रेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीड रेट से। अगर सीड रेट की बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मेथड। अगर आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से राइस की सॉविंग कर रहे हैं तो आपको सीड रेट की नीड होगी 100 kg। अगर आप सीड ड्रिल यूज कर रहे हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की नीड होगी। अगर आप नर्सरी लगा के फिर आप ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं तो सीड की रिक्वायरमेंट होगी 30-40 kg पर हेक्टेयर। वहीं पर IR8 और जया की अगर बात करें तो इन वेराइटियों के अंदर सीड रेट 40-45 kg पर हेक्टेयर की ही नीड होती है। बासमती राइस में 20 kg पर हेक्टेयर नीड होती है और हाइब्रिड राइस है उसमें 20 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये सारी की सारी सीड रेट आपको याद होनी चाहिए। अब बात आती है कल्टीवेशन मेथड इन राइस। देखिए राइस में सबसे पहले कल्टीवेशन मेथड में अपने बात करें तो इसमें टोटल 4 मेथड है, कल्टीवेशन के 4 मेथड है। एक तो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। कल्टीवेशन के टोटल कितने मेथड है, यहां पे 4 मेथड है। देखिए सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग भी, अगर आप पेडी कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसको लगाने के आपके पास 4 तरीके है ना, उसके सोविंग के आपके पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग मेथड आप कोने में देख रहे हैं, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। सिंपली क्या करेंगे, इन दिस मेथड सीड आर सोवन बाय द हैंड एंड द मेथड इज सुटेबल इन एरिया वेयर द सोइल इज नॉट फर्टाइल एंड लैंड आर ड्राई। जहां सोइल ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है, लैंड ड्राई होता है, वहां पे अपने सीधा ही क्या करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सीड डाल देते हैं। दिस रिक्वायर मिनिमम लेबर एंड इनपुट्स। जहां सोइल फर्टाइल नहीं है, एरिया ड्राई है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इनपुट नहीं डालेंगे। ज्यादा इनपुट नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा इनपुट्स नहीं देने वाले हैं। दिस मेथड प्रोड्यूस वेरी लेस यील्ड व्हेन कंपेयर टू अदर सॉविंग मेथड। अगर दूसरे सॉविंग मेथड से कंपैरिजन करें तो सबसे कम यील्ड इसी से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगला मेथड है ड्रिलिंग मेथड। ये डायग्राम देख ही रहे हैं आप, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग का मतलब सीड ड्रिल यूज करते हैं आप सॉविंग के लिए, तो उसको ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं। इन दिस मेथड प्लाविंग ऑफ द लैंड एंड सॉविंग ऑफ द सीड कैन बी कैरिड आउट बाय 2 persons। दिस सॉविंग मेथड इज मोस्टली कन्फाइंड टू द पेनिनसुलर ऑफ द इंडिया। जो इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है वहीं पर इस तरह का मेथड देखने को मिलता है। इसमें पडलिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं। नॉर्मली जब फील्ड कैपेसिटी के आसपास सॉइल होता है उस समय अपने सीड ड्रिल से क्या कर देते हैं, इसकी सॉविंग कर देते हैं। पडलिंग जैसा कुछ नहीं किया जाता है इसमें। नेक्स्ट टोटल 4 मेथड है, 2 हो गए। तीसरा है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या है, पहले आप क्या करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी के बाद जब आप सीडलिंग तैयार हो जाएगी तब उसको वहां से अप्रूव करके फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे, प्लांटिंग कर देंगे, तो उसको अपने नर्सरी मेथड बोलेंगे या ट्रांसप्लांटिंग मेथड बोलेंगे। इसमें भी कई तरह की नर्सरी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले है वेट बेड मेथड। वेट बेड मेथड का मतलब है, बड़ा सिंपल सा है, जहां पे आप मतलब सॉविंग करने जा रहे हैं उसी में 1/10 एरिया है, जितने में आप
प्लांटिंग करेंगे, टोटल जितना राइस कल्टीवेशन करेंगे, मान लो 1 हेक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो उसका 1/10 पार्ट यानी 1000 मीटर स्क्वायर एरिया, 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में क्या करेंगे, पडलिंग करेंगे। पडलिंग समझते हो, सोइल और वाटर है उसको मिक्स कर देंगे। किससे? पडलर, जो पडनल पडलर होता है, इंप्लीमेंट जो पडलर होता है उससे क्या कर दोगे, उसको मिक्स कर देंगे, उसको पडलिंग बोलते हैं। पडलिंग के कई बेनिफिट्स होते हैं। राइस की प्लांटिंग करते हैं तब भी अपने फील्ड में पडलिंग करते हैं, पडलिंग से वाटर और सोइल मिक्स हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एक पडल लेयर डेवलप हो जाती है। अगर आप सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में वाटर रखते हैं तो एक्वेटिक वीड हो जाते हैं, और अगर आप पानी नहीं रखेंगे तो नॉर्मल सॉइल में ग्रो होने वाले वीड हो जाएंगे। अगर आप वाटर और सॉइल को मिक्स कर देंगे तो न तो एक्वेटिक वीड होने के चांसेज है और न ही नॉर्मल सॉइल के अंदर वीड होने के चांसेज है। तो पडलिंग एक तो वीड कंट्रोल करती है, दूसरा बेनिफिट क्या करती है, अगर डिफरेंट डिफरेंट लेयर डेवलप नहीं होती है तो पानी पार्कोलेट हो जाता है। जब दो अलग अलग लेयर डेवलप हो जाती है तो ऊपर वाली लेयर होती है वो नीचे वाली लेयर में पानी नहीं जाने देती है, तो ये वाटर को पार्कोलेट होने से बचाता है। दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है। तीसरा ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स अपने अप्लाई करते हैं वो लीच डाउन नहीं होते हैं। तीसरा पडलिंग का बेनिफिट होता है, जो अपने न्यूट्रिएंट अप्लाई करते हैं वो लीच डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि राइस है ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप है, ज्यादा पानी दोगे तो न्यूट्रिएंट्स है उनके लीच डाउन होने के चांसेस रहेंगे। अगर आप पडलिंग करते हैं तो वीड कंट्रोल भी हो जाता है, वाटर भी स्टैंडिंग पोजीशन में बना रहता है, पार्कोलेट नहीं होता है, और न्यूट्रेंट है उनका भी लीच डाउन नहीं होता। ये जनरल बेनिफिट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/10 एरिया में यानी 1000 मीटर स्क्वायर एरिया पे नर्सरी लगाएंगे, और इसमें 40 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड डालेंगे, और जब अपनी जो सीडलिंग है वो 15-21 days की हो जाएगी, 15-21 days की हो जाएगी, तब अपने इसको क्या कर देंगे, फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसको हम वेट बेड मेथड बोलते हैं, वेट बेड मेथड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप वेट बेड देखना चाहो तो आपके सामने ये वेट बेड नर्सरी लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राई बेड मेथड। ड्राई बेड मेथड क्या होता है, इसमें अपने पडलिंग नहीं करते हैं। The nursery is prepared in dry soil condition. Seed beds, convenient dimensions are the prepared by the raising the soil to the height of about 5-10 cm ground level से थोड़ी उठी हुई मिट्टी। A layer of half burned paddy has could be distributed on the nursery bed, facilitating the uprooting. ठीक है? This side should, इसमें किसी तरह की पडलिंग नहीं करते हैं। 1 hectare के लिए वही 1/10 area, यानी total 1000 meter, sorry. 1000 मीटर एरिया रिक्वायरमेंट्स होती है टोटल 1 hectare प्लांटिंग के लिए। अगर आप 1 hectare की बात करें तो उसका मतलब होता है 10,000। तो 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया में प्लांटिंग के लिए नर्सरी में एरिया कितना चाहिए, यानी 1 hectare एरिया में प्लांटिंग के लिए नर्सरी में एरिया कितना चाहिए, तो नर्सरी में 1000 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। यही वेट बेड मेथड में चाहिए, यही ड्राई बेड मेथड में चाहिए अपने को, ठीक है। इसमें लगा देते हैं नर्सरी, और 15-21 days के अंदर नर्सरी जो है यानी जो सीडलिंग है वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, और अपने उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। बट इस बेड में एक प्रॉब्लम होती है, वीड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो वीड कंट्रोल पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। हाँ, ड्राई बेड राइस नर्सरी आप ही देख सकते हैं, ड्राई बेड नर्सरी अपने इस तरह से तैयार की जाती है, इसमें वीड की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है डेपोंग मेथड, जिसको अपने मेट टाइप नर्सरी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इट इज डेवलप बाय IRRI फिलीपींस। अभी हम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, उसके द्वारा ही डेवलप की गई है। डेपोंग नर्सरी कैन बी लोकेटेड एनीवेयर ऑन द फ्लैट फार्म सरफेस, बट वाटर सप्लाई कंट्रोल शुड बी वेरी रिलायबल। कहीं भी जहां पे फर्श है वहां पे इसको लगा सकते हैं, ठीक है। द एरिया नीड इज अबाउट 25-30 मीटर स्क्वायर फॉर 1 hectare। 1 hectare के लिए ओनली 25-30 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। देखो बहुत कम एरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप देखेंगे सिंपली इस तरह से अपने क्या है, नीचे मेट बनाएंगे, मेट टाइप नर्सरी, और उसके ऊपर क्या करेंगे अपने बहुत ज्यादा डेंसिटी के साथ सीड डाल देंगे। सिंपली 1 meter square के अंदर आप कितना सीड डालते हैं, 3 kg सीड डालते हैं। 1 meter square में 3 kg सीड डालते हैं, और 1 hectare प्लांटिंग के लिए आपको कितना सीड चाहिए, 1 hectare प्लांटिंग के लिए एरिया कितना चाहिए, 25-30 meter square।
1 मीटर स्क्वायर में 3 केजी सीड डाल रहे हो तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना सीड हो गया, 75 टू 90 केजी सीड जो है वो आप इतने एरिया में डाल देंगे। फिर उसको क्या करेंगे, जूट बैग या फिर बनाना लीफ वगैरह से उसको कवर कर देंगे। कुछ दिन बाद जर्मिनेशन हो जाएगा, अबाउट 11 टू 13 डेज के लिए 13 डेज में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। ओनली 11 टू 13 डेज में, 11 से 13 दिन के अंदर ही ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये रेडी हो जाएगा और अपने इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, डेवलप कहां से की गई है, IRRI फिलीपींस, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से, फिलीपींस से। 1 हेक्टर प्लांटिंग के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट्स कितनी होती है, 25 टू 30 मीटर स्क्वायर एरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। पर मीटर स्क्वायर सीड कितने की रिक्वायरमेंट्स होती है, 3 केजी। और 1 हेक्टर के लिए सीड रिक्वायरमेंट 75 टू 90 केजी। और ट्रांसप्लांटिंग एज कितनी होती है सीडलिंग की, ओनली 11 टू 30 डेज। सबसे जल्दी जो सीडलिंग ट्रांसप्लांटिंग की जाती है वो इसी में की जाती है, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग मेथड की बात करें। ऑल ओवर बात करें तो फिर सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन है, उसमें 8 टू 10 डेज की सीडलिंग को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट ये देख सकते हैं टाइप ऑफ नर्सरी में आप, ये वेट बेड है, ये ड्राई बेड है, ये डेपोंग है या जिसको अपने मेट टाइप नर्सरी बोलते हैं, ये मॉडिफाइड मेट टाइप नर्सरी है और ये बबल ट्रे नर्सरी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो डेपोंग मेथड है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन द नर्सरी एंड स्टार्टिंग सीडलिंग सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस इंटेंसिफिकेशन जो है उसके अंदर अपने किस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं ज्यादा डिटेल लेके नहीं चलने वाला हूं, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं लेके चल रहा हूं मैं, क्योंकि ये अपने आप में एक कल्टीवेशन है पूरी का पूरा, सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन जो है। ज्यादा डिटेल से अपने इसमें नहीं बात करेंगे, बट मोटा मोटा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन डेवलप किया गया था मेडागास्कर अफ्रीका में 1980 में, और ये डेवलप किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी डी लुलाइन, ठीक है। ये एक एनजीओ से रिलेटेड थे, एसोसिएशन ऑफ टेफिशियाना, ATS। तो इन्होंने क्या किया था, अंडर ड्रॉट कंडीशन, ड्रॉट कंडीशन के अंदर जो सपोर्ट करता है CIFAD USA, उसके अंदर ये काम करते थे एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन 1998 SRI was introduced in China and Indonesia। वहां से ये चाइना आया मेथड, इंडोनेशिया आया, फिर इंडिया में सबसे पहले TNAU कोयम्बटूर में स्टार्ट किया गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया गया और ईस्टर्न इंडिया में कुछ दिन इसको यूज किया गया, बट इंडिया में ये ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। इट सेव वॉटर, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट्स एंड इंक्रीज यील्ड, बट इट इज लेबर इंटेंसिव। इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, सीड रेट बहुत कम लगती है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, लेकिन लेबर इंटेंसिव होती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। स्मॉल फार्मर्स है जिससे मेडागास्कर है, पूर कंट्री में ही आता है, तो जो मतलब स्मॉल फार्मर्स है, पूर फार्मर्स है, उनके लिए ये मेथड बढ़िया है, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग साइज कम है, फैमिली साइज बड़ा है उनका, लेबर है उनके पास, वो काम कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ SRI सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसने सेपरेट किया था वो किया था नॉर्मन उपहॉफ ने किया था। डिस्कवरी पूछ ले तो हेनरी डी लुलियान ने की थी, लेकिन अगर ये बात की कि पूरे वर्ल्ड में इसको सेपरेट करने का क्रेडिट किसको जाता है तो नॉर्मन उपहॉफ को जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां। नेक्स्ट अब देखो इसके मेन फीचर क्या होते हैं। जनरली नर्सरी बेड बनाते हैं और 8 से 10 दिन की सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट। सबसे यंग जो सीडलिंग ट्रांसप्लांट की जाती है, आपसे पूछ ले कौन से मेथड में की जाती है, सबसे यंग तो सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन में की जाती है और उसके बाद डेपोंग मेथड में की जाती है, ठीक है। 1 सीडलिंग पर हिल, एक हिल पे एक ही सीडलिंग लगाएंगे, लेआउट करोगे तो आप एक स्क्वेयर लेआउट करोगे इस तरह से, और हर एक हिल पे एक सीडलिंग लगाओ, इसीलिए तो सीड रेट कम चाहिए। 1 हेक्टर के लिए सीड रेट ओनली 5 केजी चाहिए, बाकी में देखो आप कितनी सीडलिंग सॉरी कितनी सीड रेट की रिक्वायरमेंट थी, यहां ओनली 5 केजी सीड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मतलब 5 केजी सीड है वो 1 हेक्टर के लिए मतलब सफिशियंट है, क्यों, क्योंकि स्क्वेयर मेथड, और स्क्वेयर के अंदर अपने क्या करते हैं, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 25x25 सेंटीमीटर रखते हैं, और एक जगह पर एक ही अपने प्लांट सीडलिंग है वो प्लांटिंग करते हैं, एक ही पौध को लगाते हैं वहां पे।
नॉट फ्लड इरिगेटेड, फ्लड इरिगेटेड नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली वेट फील्ड अप टू द वेजिटेटिव स्टेज आफ्टर दैट 1 to 2 inch वाटर। वेजिटेटिव स्टेज तक अपने सोइल को मॉइस्ट रखेंगे, फ्लडिंग की नीड नहीं है, पानी खड़े रखने की नीड नहीं होती है। उसके बाद जब वेजिटेटिव स्टेज निकल जाती है तब अपने 1 to 2 inch पानी कुछ दिन के लिए रोकेंगे। 1 to 2 weedings की रिक्वायरमेंट्स होती है, पहली वीडिंग 10 to 12 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। उसके बाद आप जब भी आपको वीड दिखे तब आप वीडिंग कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल वीडिंग कर रहे हैं तो आप कोनो वीडर है या रोटरी वीडर है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको अप्लाई किया जाता है प्रॉपर, और इसमें यील्ड जो है वो 30 to 50% तक इंक्रीज हो जाती है। इसी को अपने सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। मेडागास्कर से डिस्कवर हुई थी और पूरे वर्ल्ड में सेपरेट हो गई। नेक्स्ट जो अगला कल्टीवेशन मेथड है, जो फोर्थ मेथड अपने बात की थी, आप इस इमेज में देख सकते हैं, वो है अपना जैपनीज मेथड। जैपनीज मेथड जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटीज है उनके अंदर ही यूज में लिया जाता है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है अपने यहाँ पे। हाई यील्डिंग वेराइटी कैन बी इंक्लूड इन दिस मेथड एंड विच रिक्वायर्स हैवी डोज ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें फर्टिलाइजर की हैवी डोज देनी पड़ती है। सीड शुड बी सोवन ऑन रेज नर्सरी बेड, रेज नर्सरी बेड में सोविंग करते हैं, एंड शुड ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग इन द रो, रो में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, आप देख सकते हो। वीडिंग एंड फर्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट एज पर शेड्यूल। प्रॉपर वीडिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर फर्टिगेशन और ज्यादा फर्टिलाइजेशन डोज देनी पड़ती है अदर जो 3 methods थे उनके कंपेरिजन में। दिस मैथड इज सक्सेसफुली अडेप्ट फॉर द हाई यील्डिंग हाइब्रिड क्रॉप्स। हाई यील्डिंग हाइब्रिड जो वेराइटीज है उनके अंदर इसको अडेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट। सीड सोविंग से पहले उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे? सिंपल फंजीसाइड ट्रीटमेंट तो करना ही करना है। द पेडी सीड शुड बी ट्रीटेड विथ एग्रोसोन एट द रेट 100 grams per 50 kg ऑफ सीड टू प्रिवेंट द सीड बॉर्न डिजीज। जो भी सीड बॉर्न डिजीज है, फंगल डिजीज, उनको चेक करने के लिए अपने फंजीसाइड एग्रोसोन से सीड को ट्रीट करते हैं। द अनट्रीटेड हाई यील्ड वेराइटी ऑफ द राइस शुड बी सॉक्ड फॉर 12 आवर्स इन द सॉल्यूशन ऑफ वेटेबल सोरेंसेन 0.1%। आफ्टर दिस मेक श्योर टू थ्रूली ड्राई इन सैड बिफोर सोविंग इन द फील्ड और नर्सरी पैट। जिसको इससे नहीं ट्रीट करेंगे उसको अपने 1% सोरेंसेन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 12 आवर के लिए ट्रीट करेंगे। उसके बाद सैड के अंदर इसको ड्राई करके फिर आप इसको सोविंग के काम ले लेंगे। यह इसका सीड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन सोविंग इन राइस कल्टिवेशन। एक तो है ड्राई एंड सेमी ड्राई सिस्टम। ड्राई और सेमी ड्राई में पडलिंग नहीं करते हैं, पानी खड़ा नहीं रखते हैं, ठीक है। अपलैंड जो राइस है वहां पे ये जनरली यूज होता है। वेट सिस्टम में पडलिंग करते हैं और 3 to 5 centimeters है वो वाटर वो स्टैंडिंग पोजिशन में रखते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के 15 days पहले अपने क्या करते हैं, 15 दिन पहले है उस पानी को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। वेट सिस्टम जनरली क्ले है, सिल्ट क्ले सॉइल है वहीं पे, या सिल्ट लॉमी सॉइल है, या क्ले सॉइल है, या क्ले लॉमी सॉइल है, वहीं पे प्रैक्टिस की जाती है और इसमें पडलिंग की जाती है। पडलिंग के मैंने आपको बेनिफिट बता दिए थे। अब अपने चलते हैं वेराइटीज पे। देखो वेराइटीज में सबसे पहले आती है TN1। इट इज द फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम ताइवान। ताइवान में ही डेवलप की गई थी। इसका नाम है TN1। TN1 का फुल फॉर्म क्या होता है? थाईचुंग नेटिव फर्स्ट। ताइवान की वैरायटी है, फुल फॉर्म TN1 की, थाईचुंग नेटिव है ना। TN1 सबसे पहली ड्वार्फ वैरायटी है और इंडिया में ताइवान से इंट्रोड्यूस हुई थी। नेक्स्ट है IR8। अच्छी तरह जानते हैं IRRI फिलीपींस से डेवलप की गई है। इट इज फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी और बैक्टीरियल लीफ स्पॉट के लिए रेसिस्टेंट भी है। इट इज नॉन एज मेरिकल राइस ऑफ वर्ल्ड। पूरे दुनिया का चमत्कारी धान कहते हैं, मेरिकल राइस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है जेआर। ये इंडिया में मतलब डेवलप की गई वैरायटी है। इट इज द फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया। इट इज द हाई यील्डिंग वैरायटी। इट गिव मोर यील्ड देन TN1 एंड IR8 वैरायटी। TN1 और IR8 वेराइटी इनसे भी ज्यादा प्रोडक्शन देती है। इट इज नॉन एज इंडियन मेडिकल राइस एंड इट इज रेसिस्टेंट टू ब्लास्ट। जो ब्लास्ट डिजीज है उसके लिए भी ये रेसिस्टेंट है। जया का जो क्रॉस है वो है TN1
इंटू जो जया का क्रॉस है वो टी एन वन इंटू टी वन फोर वन है, यानी जो जया डेवलप की गई है वो टी एन वन इंटू टी वन फोर वन के क्रॉस से डेवलप की गई है, और इसका जो प्रोडक्शन है वो टी एन वन और इंडियन मेरिकल राइस कहा जाता है। भारत का जादुई धान तो है जया और वर्ल्ड वाइड पूछे तो आई आर एट है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो आई आर एट जो है उससे भी ज्यादा है। नेक्स्ट है KRH1 जो है वो इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड है। पूरे वर्ल्ड में राइस का पहला जो हाइब्रिड है वो तो चाइना के अंदर योन लॉन्गपिंग ने डेवलप किया था, और इंडिया के अंदर जो राइस का पहला हाइब्रिड है वो KRH1 है, ठीक है। ये करजात रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र है वहां से डेवलप किया गया, और इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड जो है वो KRH1 है। एक CORH1 भी है वो तमिलनाडु की, ये आप यहां पे देख सकते हैं CORH1। एक मिनट, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। एक है CORH1, ये तमिलनाडु का फर्स्ट हाइब्रिड है, और KRH1 है वो इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड है, और वर्ल्ड वाइड राइस के अंदर सबसे पहले जो हाइब्रिड डेवलप किया था वो किया था योन लॉन्गपिंग ने चाइना के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी है जगन्नाथ और सतारी, ये म्यूटेंट वैरायटियां हैं। उसके अलावा लूनसिरी IR8 CSR10 ये सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट है। वैसे तो आपको पता हो तो राइस एसिड टॉलरेंट है, बट ये वैरायटियां हैं ये सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल के लिए भी टॉलरेंट है। नेक्स्ट है साबरमती, ये ब्लास्ट डिजीज के लिए रेसिस्टेंट है। बाला ड्रोट एरिया के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है बाला। पंकज एंड जगन्नाथ बोथ आर स्टेबल फॉर शेलो वाटर एरिया, जहां कम पानी खड़ा रहता है वहां पंकज और जगन्नाथ ठीक है। पद्मा काफी पॉपुलर वैरायटी है, डे न्यूट्रल वैरायटी है। जगन्नाथ फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी है राइस के अंदर। पुसा बासमती, इट इज फर्स्ट बेस्ट क्वालिटी वैरायटी ऑफ बासमती राइस इन द वर्ल्ड, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम IRI न्यू दिल्ली। पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो बासमती राइस है वो पुसा बासमती है, सबसे पहले इंडिया में ही डेवलप किया गया था, IRI न्यू दिल्ली में डेवलप हुआ था। PRH1 फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस, PRH1 जो है वो बासमती राइस की फर्स्ट हाइब्रिड है। नेक्स्ट अपने बात करें IR24 सुटेबल फॉर एल्केलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है मधुकर, जलमगन और चकाया, ऑल आर सुटेबल फॉर डीप वाटर, ये तीनों की तीनों डीप वाटर के लिए सुटेबल है। राजेश्वरी एंड हेमा, दे कैन बी ग्रो इन क्रीप एंड रबी सीजन, क्रीप और रबी सीजन दोनों में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, लास्ट में इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें 37% के कैरोटीन कंटेंट्स होता है, इस वजह से इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। विटामिन ए रिच, यानी बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए रिच तो होगा, बाय टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है तारावती एंड बासमती, बोथ हैज हाई स्वेलिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान स्वेलिंग बहुत होती है, इसलिए इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। नेक्स्ट वन इज राशि, सुटेबल फॉर रेन फेड अपलैंड कंडीशन, मीडियम बोल्ड वाइट, रेसिस्टेंट टू ब्लास्ट, और इल्ड है वो हाई इल्डिंग है, 56 क्विंटल पर हेक्टर तक प्रोडक्शन एवरेज होता है। नेक्स्ट है प्रकाश, रेसिस्टेंट टू ग्रीन लीफ हॉपर, स्टेम बोरर एंड बैक्टीरियल लीफ लाइट। नेक्स्ट है मंगला, हाई इल्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी, टॉलरेंट टू कोल्ड, टेम्परेट रीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। शक्ति, ए ड्वार्फ वेराइटी विथ सेमी कॉम्पैक्ट हैबिट, रेसिस्टेंट टू गाल मिड्स एंड इट्स ड्रॉट टॉलरेंट, और ये ड्रॉट टॉलरेंट भी होती है। नेक्स्ट अपने बात कर लें सीजन के हिसाब से, तो सबसे पहले अर्ली वेराइटी ऑफ राइस, अर्ली वेराइटी ट्रांसप्लांटिंग के 100 to 15 days के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। इसमें बाला, पुसा 221, कावेरी, गोविंद, नगीना 22 ये वैरायटियां आती है। मिड सीजन जो है वो ट्रांसप्लांटिंग के 120 डेज में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। इसमें आती है अपने साकेत 4, रत्ना और IR24। नेक्स्ट है वैरायटी यूज इन डायरेक्ट सोविंग, गोविंद, बाला, कावेरी, पुसा 221। नेक्स्ट वैरायटी डेवलप फ्रॉम IRI, बाला, कंचन, किरण, भवानी। अदर वेराइटियों में, अदर हाइब्रिड वेराइटियों में APRH1, APRH2, KRH1, KRH2 एटसेट्रा ये अदर वेराइटी है। उसके अलावा
एक अलग लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे सभी क्रॉप्स की जो न्यू वेराइटियां रिलीज हुई है। तो कुछ वेराइटियां यहां पे है जो मैंने मेंशन नहीं किया, जो अपने लेटेस्ट वेराइटियों के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये होगी राइस की पॉपुलर वेराइटीज। अब अपने बात करें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की। मैन्योर और फर्टिलाइजर की बात करें तो FYM 10 टू 15 टन पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट्स होती है। नाइट्रोजन 100 केजी, फास्फोरस 60 केजी पर हेक्टेयर, पोटास 50 केजी और जिंक सल्फेट 25 केजी पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। नेक्स्ट अपने वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो राइस की जो वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, 900 टू 2500 mm वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर ड्यूरेशन वाइज बात करें तो पर टाइम यूनिट के हिसाब से सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है। अदरवाइज अपने क्रॉप के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट शुगर केन और शुगर केन के बाद राइस की होती है। After the transplanting, water should be allowed to stand in the field at the depth of 5 cm till the seedling are well established. The second, the most important critical stage is tillering to flowering, and in this period the crop should not be subjected to soil moisture stress. Tillering से लेकर flowering तक है मोटर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो yield में बहुत loss आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वीड मैनेजमेंट इन राइस। देखो राइस में एक्वेटिक वीड और सेमी एक्वेटिक वीड दोनों की ही प्रॉब्लम होती है, और राइस में एक मिमिक्री वीड भी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है इकोनोकोला कोलोना, ये आप देखते रहे हैं। इसका कंट्रोल करना भी मुश्किल है क्योंकि ये मिमिक्री वीड है। मिमिक्री मीन्स जैसे इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है वो क्रॉप प्लांट की तरह होता है, इसलिए अपने इसको मिमिक्री वीड कहते हैं। अब देखो यहाँ राइस में एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक वीड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वाटर हाइसिंथ है, पिस्टिया है, मॉर्निंग ग्लोरी है, एल्गिया, इनकी काफी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ब्रेनयार्ड ग्रासेस है और जल खुम्बी जो है इनकी कई बार राइस में सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हमने राइस को लाइन सोविंग किया है तब हम उसमें मैनुअली हैंड होइंग वगैरह भी कर सकते हैं। जनरली कुछ एरिया में दो बार मैनुअल वीडिंग की जाती है। उसके अलावा अगर मैकेनिकल वीडिंग में जाएं तो मैकेनिकल वीडिंग के लिए जैसे रोटरी वीडर काम में लेते हैं, उसके अलावा कोनो वीडर काम में लेते हैं। रोटरी वीडर जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, बट लाइन में अगर आपने ग्रो किया है ना, अगर आपने जो प्लांटिंग है उसकी लाइन के अंदर की है, अगर आपने लाइन में नहीं की है तब इनकी प्रैक्टिस करना मुश्किल हो जाता है। और रोटरी जो वीडर होता है वो एक्वेटिक वीड के लिए भी बड़ा शानदार होता है। उसके अलावा फिजिकल मेथड से भी अपने वीड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फ्लडिंग मेथड काम में लेते हैं। इसमें जनरली क्या करते हैं, पानी है उसको ड्रेनेज कर देते हैं, वापस भर देते हैं, तो बीच बीच में ड्रेनेज करते रहते हैं तो एक्वेटिक प्लांट को वाटर मिलता नहीं है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाता है। पानी भरना निकालना ना, फ्लड ड्रेंज ये करने से वीड कंट्रोल हो जाता है। ये प्रैक्टिस जनरली आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसको अपनी हवेली भी कहते हैं। नेक्स्ट है हर्बिसाइड कंट्रोल। अगर अपने हर्बिसाइड यूज करते हैं तो यानी केमिकल कंट्रोल करते हैं तो कौन से हर्बिसाइड यूज करेंगे। ए वैरायटी ऑफ ग्रासेस फ्रॉम प्राइमरी वीड फ्लोरा इन अपलैंड राइस। अपलैंड राइस के अंदर बहुत सारी ग्रासेस है एज ए वीड होती है, जिनके कंट्रोल के लिए नाइट्रोफेन 2.4 केजी जो वीडिसाइड प्री एमरजेंस होता है इसका अपने यूज करते हैं इमीडिएट आफ्टर ड्रिलिंग। ब्यूटाक्लोर कैन बी यूज इन अपलैंड राइस। ब्यूटाक्लोर है ये भी अपलैंड राइस में यूज किया जाता है। प्रोपेनिल 3-4 केजी और मालिनेट 2-4 केजी, SWCP 4-6 केजी या फिर फ्लोरोडिफेन 2-4 केजी, इनमें से कोई सा भी एक इफेक्टिव सिलेक्टिव पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड अगेंस्ट एनुअल ग्रासेस। एनुअल ग्रासेस के लिए इनमें से कोई सा भी एक अपने वीडिसाइड यूज किया जाता है। तो ये बात होगी वीड कंट्रोल की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। When 80% पेनिकल्स हैव अबाउट 80% राइपन स्पाइकलेट्स एंड when the मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन इज 20-26%। मॉइस्चर ग्रेन जब 20-26% होता है तब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं, और थ्रेसिंग कब करेंगे जब 16-22% मॉइस्चर होता है ग्रेन्स में तब अपने थ्रेसिंग करते हैं, यानी हस्क और सीड को अलग अलग करते हैं, ठीक है। एवरेज कई बार 23% एवरेज मैक्सिमम लिखना था, या मैक्सिमम 23 तक जाना चाहिए, अपने को इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए।
ये तो है अपने हार्वेस्टिंग 20-26% और थ्रेसिंग है वो 16-20% पे। स्टोरेज की अगर बात करें, ग्रेन जो स्टोरेज है वो कब करेंगे अपने 10-12% मॉइस्चर बचेगा तब अपने इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है अपने इल्ड। अर्ली जो वैरायटी है अगर उनकी इल्ड देखें तो 40-50 क्विंटल पर हेक्टेयर तक अपने को इल्ड मिलती है। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियां होती है, अर्ली जो वैरायटियां होती है इस वजह से थोड़ी इल्ड कम होती है। लेट वैरायटियां 60-70 क्विंटल पर हेक्टेयर तक प्रोडक्शन देखने को मिलता है। सीड एंड हस्क रेशियो की बात करें तो 1:2 होता है, यानी छिलका जो होता है वो 65% तक होता है, हुलिंग जो रेशियो होता है वो 65% तक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें डिजीज की। देखिए डिजीज में ब्लास्ट फंगल डिजीज है, पारिकुलेरिया और आईजी जो फंगस होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। डिजीज का डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्रॉप कल्टीवेशन की अपने बात चल रही है, डिटेल से डिस्कस तो अपना प्लांट पैथोलॉजी में हो ही चुका है। नेक्स्ट है ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट जो है इसको अपने राइस लीफ ब्राउन स्पॉट या लीफ ब्राउन स्पॉट, सॉरी ब्राउन लीफ स्पॉट भी बोलते हैं, राइस ब्राउन लीफ स्पॉट या फिर सीधा अपने ब्राउन स्पॉट भी बोल दिया जाता है, भूरा पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं हिंदी में, यानी ब्राउन लीफ स्पॉट बोला जाता है। काफी फेमस डिजीज है क्योंकि आपको पता है एपिडेमिक डिजीज है ये। इसका जो पैथोजन होता है हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी होता है और इसकी वजह से 1943 में बंगाल के अंदर फेमाइंस आया था। देखो मैंने बताया था बंगाल या उसके आसपास का जो एरिया है, 1943 की बात कर रहा हूँ, बिफोर फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, तो बंगाल के आसपास का एरिया, उस समय बांग्लादेश भी बंगाल में ही पड़ता था, इंडिया में ही था, ठीक है, बंगाल है, उड़ीसा के आसपास का एरिया है, बंगाल के आसपास का जितना एरिया है वहां पर जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज है वो एक बहुत ही सीवर कंडीशन में आया था और पूरी की पेडी की क्रॉप को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब देखो उस एरिया के जो लोग हैं उनका स्टेबल फूड फर्स्ट नंबर पे राइस है और सेकंड नंबर पे फिश है, लेकिन राइस है उसका यूज ज्यादा होता है, फिश का यूज तो बहुत कम होता है। कंपेयरली अगर राइस से बात करें तो, वैसे तो बहुत यूज होता है अगर राइस से कंपेयर करें तो। अब ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट था इसकी वजह से पूरे की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई और लोगों के लिए खाने के लिए फूड ग्रेन नहीं बचा। और उस समय क्या था, 1943 का दौर था, उस समय अंग्रेज अपने यहां से भागने वाले थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1947 में इंडिया आजाद हो गया था, इंडिपेंडेंस हो गया था, तो ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, लोग मर रहे हैं तो मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए फूड नहीं था, जिनके पास कुछ पैसा था वो तो माइग्रेट हो गए, लगभग 2 मिलियन के आसपास लोग माइग्रेट हो गए थे और 1.5 मिलियन के आसपास लोग है उनकी भूख से हंगर से डेथ हो गई थी। ये इतना खतरनाक, इतनी एपिडेमिक बीमारी है। ये जो घटना घटी इस वजह से इसको ग्रेट बंगाल फेमाइन बोला जाता है, जो 1943 में राइस के अंदर पेडी के अंदर ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज की वजह से थी। ठीक है, इसका जो पैथोजन होता है वो फंगस होता है हेलिमेंथोस्पोरा ओराइजी। यहां पे जब ये फेमाइन आया था तो जो इल्ड थी वो 50-90% है वो खत्म हो गई थी और लगभग 1.5-2 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग है वो माइग्रेट भी हो गए थे। उसके अलावा नेक्स्ट डिजीज है नेरो ब्राउन लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा जेंसेना, ये भी फंगल डिजीज है। सैट स्रोट सेरोकोलेडियम ओराइजी, ये भी एक फंगल डिजीज है। सेट ब्लाइट राइजेक्टोनिया सोलेनाई, ये भी एक फंगल डिजीज है। फ्लैश स्मट ये यूस्टी एगिनोडिया वीरिनेस, ये भी एक फंगल डिजीज है। उडबाता डिजीज इपिलियस ओराइजी, ये भी एक फंगल डिजीज है। स्टेकबर्न डिजीज ट्राइकोनिस पेडेविकी, ये भी एक फंगल डिजीज है। बंट और करनाल स्मट और ब्लैक स्मट, ये टिलेटिया बेरिकेलियाना फंगस से होता है। एक है स्टेम रोट, ये होती है स्केलेरोटियम ओराइजी से। एक होता है फुट रोट, बेकाने एक अलग डिजीज। एक होता है फुट रोट फ्यूजेरियम मोनिलिफोरिमा होती है, मोनिलिफोरम फंगस की वजह से होती है। एक अब जब आप जिब्रेलिन जो है GA3 जिब्रेलिक एसिड की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं
तब वहां पे आके फुली सीडलिंग या बेकाने डिजीज भी पड़ते हैं, फुली सीडलिंग या बेकाने डिजीज भी पड़ते हैं। उसी डिजीज को देखते हुए जिब्रेलिक एसिड जो है GA3 है उसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, कुरोसावा ने डिस्कवरी की थी। तो जो बेकाने डिजीज है, जैपनीज वर्ड है बेकाने, वैसे इंग्लिश में फुली सीडलिंग बोलते हैं। तो फुली सीडलिंग या बेकाने जो डिजीज है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस होता है उसकी वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज। तो पहले अपने बात करें बैक्टीरियल डिजीज की। बैक्टीरियल डिजीज में है सबसे पहले बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी पेथेवर ओराइजी, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियल लिपस्टिक, ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी पेथेवर ओराइजी कोला, पेथेवर यहां पे ओराइजी कोला है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। वायरल डिजीज की बात करूं तो इसमें एक है राइस टुंग्रो डिजीज RTD, पिछला जो WO का एग्जाम हुआ था उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आया था, राइस टुंग्रो डिजीज है वो किससे सेपरेट होता है, यानी उसका वेक्टर कौन सा होता है, करते हैं बात। राइस टुंग्रो डिजीज, राइस टुंग्रो बेसिलीफॉर्मस वायरस की वजह से होता है, और उसके अलावा राइस टुंग्रो स्पेरिशियल वायरस की वजह से होता है, ये वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये ट्रांसमिट जो होता है वो लीफ होपर होता है, लीफ होपर से होता है, यानी पत्ती के फुदके से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाता है। तो ट्रांसमिट किससे होता है, लीफ होपर से ये ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है राइस ग्रेसी स्टंट डिजीज, वायरल डिजीज है। राइस ग्रेसी स्टंट टेन्यो वायरस, ये इस वायरस की वजह से होता है, राइस ग्रेसी स्टंट डिजीज। और ये जो ट्रांसमिट होता है ये ब्राउन प्लांट होपर की वजह से होता है, जिसको अपने BPH बोलते हैं, ब्राउन प्लांट होपर की वजह से ट्रांसमिट होता है राइस ग्रेसी स्टंट डिजीज। ये भी ऑलरेडी SSC के एग्जाम में पूछा गया था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ये दोनों वायरल डिजीज पुराने जो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे वहां पर जरूर देखने को मिलते हैं। फंगल डिजीज में ब्राउन लीफ स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1943 के अंदर उसकी वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था जिसमें 1.5 से 2 मिलियन लोग डेथ हो गई थी, मोर देन 2 मिलियन है वो माइग्रेट हो गए थे। एक जब अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ते हैं तो वहां पर भी कई बार आ जाता है जिब्रेलिक एसिड है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो कुरसावा ने की थी। राइस के अंदर लगने वाली डिजीज बेकाने डिजीज या फुली सीडलिंग जो होती है उसके अंदर से क्या है, जिब्रेलिक है, जिब्रेलिक एसिड देखा गया, उसका इफेक्ट क्या था। देखो जो राइस के अंदर बेकाने या फुली सीडलिंग होती है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस होता है उसकी वजह से होता है, जो जिब्रेलिक एसिड एक्सक्रीट कर रहा था जिसकी वजह से प्लांट है वो ज्यादा विड्थ और लेंथ ले रहा था, यानी जरूर से ज्यादा ग्रो कर रहा था, इसलिए उसको फुली सीडलिंग बोला या फिर बेकाने सीडलिंग बोला। पता लगाया कि उसके पीछे रीजन क्या है, तो पता लगा कि जो जिब्रेला फ्यूजिकोराई है वो जिब्रेलिक एसिड GA3 आप जिसको बोलते हैं वो एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये अवर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस तरह से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी, तो ये वहां भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस। इंसेक्ट में ब्राउन प्लांट होपर है जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीलेपरवाटा ल्यूगेंस, ये होम्योपटेरा से बिलोंग करता है और फैमिली इसकी डिल्फिसिडिये होती है। नेक्स्ट है येलो राइस स्टेम बोरर। येलो राइस स्टेम बोरर का साइंटिफिक नेम होता है स्किरपोफेगा इंसरेटुलस, ये लिप्टोपटेरा से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली होती है पायरेलेडी। नेक्स्ट इंसेक्ट है राइस ईयर हेड बग, इसका साइंटिफिक नेम है लेप्टोकोरिसा ओरेटोरिस, ये हेमिपटेरा से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली है एलिडियाई। नेक्स्ट है राइस हिस्पा, साइंटिफिक नेम है डिक्लेडिस्पा आर्मीजेरा, पोलियोपटेरा से बिलोंग करता है और फैमिली है क्रिसोमिलियडी। नेक्स्ट है राइस ग्रास होपर, इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिरोग्लिफस बेनियान, ऑर्थोपटेरा से बिलोंग करता है, फैमिली है इसकी एक्रिडियाई। ये मतलब मोस्ट डैमेजिंग इंसेक्ट है, जो मेजर इंसेक्ट है, बाकी रीजनल और भी बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो राइस में डैमेज करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में खेरा डिजीज को तो आप अच्छी तरह जानते हो, सबसे पहले जिंक डेफिशिएंसी या खेरा डिजीज को डॉक्टर वाई एल नेने ने देखा था। तो आपसे पूछ ले कि खेरा डिजीज है ये किसने डिस्कवर किया था, या सबसे पहले किसने नोट किया था, या किसने
रिपोर्ट किया था तो डॉक्टर वाईएल ने ने खेरा डिजीज भी पूछा जा सकता है और जिंक डेफिशिएंसी भी पूछी जा सकती है ना। देखो इस पे इस तरह के ब्राउन से स्पॉट बन जाते हैं और जिससे यील्ड में 25% तक लॉसेस देखने को मिलता है। इसके सिम्टम सीडलिंग स्टेज पे जब सोविंग के 10 to 15 days हो जाते हैं तब दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले इंटरपिनाइल क्लोरोसिस ऑन द बेस ऑफ द न्यू लीव्स इन द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ द लॉन्ग व्हाइट येलो स्पेक्स इसमें देखने को मिलते हैं। यह है खेरा डिजीज। उसके अलावा ब्राउनिंग भी देखने को मिलती है। ब्राउनिंग जो है वो जिंक डेफिशिएंसी से ही होती है, ठीक है, सॉरी ब्राउनिंग नहीं ब्रोंजिंग जो होती है वो जिंक डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, लाइनर रेडिश ब्राउन लेशंस ऑन द लीफ, पर्पल ब्राउन ब्लॉट्स ऑन ओल्ड प्लांट्स एंड लीव्स येलो टू ब्रोंज लोअर लीव्स, फ्लटिंग वाटर सरफेस, सेडिंग ड्राइंग एंड डिसअपीयरिंग बिलो वाटर सरफेस। तो ये ब्रोंजिंग जो होती है मेनली आपको ध्यान रखना है, ब्रोंजिंग जिंक डेफिशिएंसी से होती है। जो खेरा डिजीज है वो भी जिंक डेफिशिएंसी से है और ब्रोंजिंग है वो भी जिंक डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है। एक डिसऑर्डर का नाम होता है ब्राउनिंग, ब्राउनिंग BROWNING। एक था ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग जिंक डेफिशिएंसी से है, ब्रोंजिंग जिंक डेफिशिएंसी से है। और नेक्स्ट है ब्राउनिंग, ब्राउनिंग जो होता है वो आयरन की टॉक्सिसिटी से होता है, फेरस की टॉक्सिसिटी से होता है। आप देख रहे हो ये जो लीफ होती है वो इस तरह से ब्राउन कलर की हो जाती है जिसको ब्राउनिंग बोलते हैं। ब्राउनिंग आयरन टॉक्सिसिटी से होता है। खेरा जो है वो जिंक डेफिशिएंसी से, ब्रोंजिंग है वो भी आपको जिंक डेफिशिएंसी से देखने को मिलेगा और जो ब्राउनिंग है वो आयरन टॉक्सिसिटी से देखने को मिलता है। एक और डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है पैन डिसऑर्डर, पैन डिजीज PAN, पैन डिसऑर्डर। जनरली ये जो डिसऑर्डर है आपको ड्राई वेदर में देखने को मिलता है, ड्राई क्लाइमेट में देखने को मिलता है। आपको पता है राइस है वो हाई वाटर रिक्वायरमेंट्स क्रॉप है, लेकिन जब ड्राई कंडीशन आ जाती है तो इस पर पैन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो ये मेजर इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कुछ क्वेश्चन जो है वो राइस की क्वालिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, तो सबसे पहले हुलिंग परसेंटेज कैसे निकालें। व्हाट इज हुलिंग? इट इज द सेपरेशन ऑफ द राइस फ्रॉम द पैडी डिनोटेड इन परसेंटेज। देखो विथ हस्क जो मतलब जो हस्क के साथ सीड होता है राइस का उसको अपने पैडी बोलते हैं। जब इनको सेपरेट कर लेते हैं तब अपने उसको क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं। सेपरेट करते ही ब्राउन राइस अपने को मिलता है। तो हुलिंग परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पैडी। वेट ऑफ ब्राउन राइस होता ही है, हमेशा ध्यान रखिएगा ना, वेट ऑफ ब्राउन राइस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ पैडी इंटू 100 करेंगे तो हुलिंग परसेंटेज अपना आ जाएगा। ये हुलिंग परसेंटेज का फॉर्मूला है। एवरेज हुलिंग परसेंट हेड रिकवरी इन राइस इज 66% एंड वी कैन से टू थर्ड पार्ट ऑफ पेडी। ये अपने को हुलिंग परसेंटेज मिलता है। नेक्स्ट है मिलिंग और पॉलिशिंग। देखो मिलिंग क्या होता है, जब हुलिंग करते हैं यानी थ्रेसर से जब राइस और हस्क को सेपरेट कर राइस सीड और हस्क को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को अपने थ्रेसिंग बोलते हैं और जिससे अपने को जो राइस मिलता है वो ब्राउन कलर का होता है उसको अपने ब्राउन राइस कहा जाता है। तो ब्राउन राइस मिलता है अपने को हुलिंग करने से। नेक्स्ट आता है मिलिंग और पॉलिशिंग। मिलिंग या पॉलिशिंग क्या होता है, रिमूविंग ऑफ द ब्रेन एंड पार्ट ऑफ द एल्यूरिन लेयर फ्रॉम द ब्राउन राइस गेट व्हाइट राइस। व्हाइट राइस अपने प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, मिलिंग या पॉलिशिंग करेंगे, जिसके अंदर ब्रेन जो पार्ट होता है और एल्यूरिन जो लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, जो छिलका होता है हुल होता है उसको हटाते हैं, उसको तो क्या बोलते हैं, हुलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने छिलका हटाया, उसके बाद नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, पेरिकार्प, उसके अलावा टेगमेन और एल्यूरिन लेयर, ये तीन, ये ग्रीन वाली एल्यूरिन लेयर है, इसके ऊपर हल्की जो लेयर होती है वो टेगमल लेयर होती है, जैसा मैंने सीड टेक्नोलॉजी में बताया था। इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये पेरिकार्प होता है। इन तीनों को अपने ब्रेन बोलते हैं। इस ब्रेन को रिमूव करना क्या कहलाएगा, मिलिंग कहलाएगा। ये ऊपर जो मैंने रेड कलर में दिखा रखी है इसको रिमूव करते हो तब तो अपने क्या बोलेंगे, हुलिंग बोलेंगे। और जब आप पेरिकार्प टेगमन और एल्यूरिन लेयर है उसको जब रिमूव करोगे तब आप इसको क्या बोलेंगे, मिलिंग बोलेंगे या पॉलिशिंग बोलेंगे।
इन तीनों लेयर को मिला के राइस में ब्रेन कहा जाता है। जब राइस में से ब्रेन रिमूव कर दिया जाता है, पहले सुनो, अगर हुल रिमूव कर दिया जाता है तो हुलिंग है, और ब्रेन रिमूव कर दिया जाता है तो मिलिंग या पॉलिशिंग होता है। हुलिंग करने के बाद जो अपने को राइस मिलेगा वो कौन से कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं होता है, मार्केट में प्राइस कम मिलता है, बट उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, अपने को ब्राउन राइस खाना चाहिए। बट लोग तो अपीयरेंस पे जाते हैं, दिखावे पे जाते हैं, जो सुंदर लगता है उसको खाना पसंद करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जो ब्रेन होता है यानी पेरिकार्प, टेगेमन और एल्यूरियन लेयर है, इसको रिमूव करते देते हैं, इन तीनों को मिला के अपने ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन को रिमूव करते हैं उसको अपने मिलिंग या फिर पॉलिशिंग कहते हैं। उसके बाद अपने पास एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बचता है जो मार्केट में सेल होता है, जिसको अपने व्हाइट राइस कहा जाता है। तो आपको मोटी मोटी बात दोनों ही समझ में आ गई होगी, हुलिंग क्या होता है, छिलके को हटाना, मिलिंग क्या होता है, ब्रेन को हटाना। तो ये यहां पे डेफिनेशन भी दे रखी है। यहां पर अपने जो टोटल पेडी होता है उससे लगभग रिकवरी कितनी होती है, 60% की रिकवरी होती है मिलिंग के अंदर। न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द मिलिंग, पर्टिकुलरली विटामिन B12। जिस समय अपने मिलिंग करते हैं उस समय न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है, प्रोटीन और विटामिन B12 दोनों का ही लॉस होता है। बाय प्रोडक्ट ऑफ राइस मिलिंग, जो ब्रेन उतरता है उसके बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? ब्रेन यूज इन कैटल एंड पोल्ट्री फीड, प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है, 12-15% होता है, तो इसको अपने कैटल फीड और पोल्ट्री फीड में यूज करते हैं, और इसमें 14-25% तक ऑयल परसेंटेज होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छा होता है। पीछे जो व्हाइट राइस बचता है उसमें प्रोटीन भी कम बचता है और विटामिन भी कम बचता है, हम नुकसान कर लेते हैं। राइस है मोर सिलिका कंटेंट, दैट्स व्हाई एनिमल डू नॉट लव इट इज ए फूड। इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है जिसकी वजह से जो एनिमल है वो इतना ज्यादा खाना इसको पसंद करते नहीं है। नेक्स्ट है हस्क, यूज फॉर फ्यूल पर्पज, जो हस्क होता है जो अपने हुलिंग में रिमूव करते हैं उसको अपने फ्यूल पर्पज से काम में लेते हैं, सिलिका जेल बनाने के काम में लेते हैं, चारकोल बनाने के काम में लेते हैं, सोडियम सिलिकेट बनाने के काम में लेते हैं। इसमें 20% एस होती है और इस एस का टोटल जो 90% है, टोटल एस का 90% है वो सिलिका होता है। नेक्स्ट है प्राबोइलिंग, प्राबोइलिंग क्या होता है, ये एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट होता है। मिलिंग से पहले अपने क्या करते हैं, राइस को बॉयल करते हैं। इट इज अ हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स गिवन द पेडी इंप्रूव द मिलिंग एंड कंजर्व विटामिन B12 एंड लॉस ऑफ विटामिन ए। मिलिंग से पहले अपने उसको बॉयल कर देते हैं जिससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलरली विटामिन B12 और विटामिन ए है, उसका लॉस नहीं होता ड्यूरिंग मिलिंग और पॉलिशिंग। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने आपको बताई दिया, ऊपर जो मैंने रेड लेयर दिखाई है वो हुल है, इसको रिमूव करना हुलिंग है। पेरिकार्प की जो लेयर है वो ये ब्राउन कलर की है, टेगेमन की जो लेयर है ये ग्रीन और ब्राउन के बीच वाली है, एल्यूरियन जो लेयर है वो ग्रीन वाली है। इन तीनों को ब्रेन बोलते हैं और ब्रेन को रिमूव करना मिलिंग या पॉलिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, देखो गोल्डन राइस क्या है, इट वॉज डेवलप बाय रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी, बाय टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, यानी रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, बाय क्रॉसिंग ऑफ डेफोडिल, इरोविनिया, यूरिडिवोरा और एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसिनेंस एंड जैपनीज राइस, इनके क्रॉस से इसको डेवलप किया गया है बाय टेक्नोलॉजी से। इसमें विटामिन ए कंटेंट बहुत होता है, 37% होता है, यानी विटामिन ए का मतलब है बीटा कैरोटीन। इसमें विटामिन ए कंटेंट ज्यादा है यानी बीटा कैरोटीन ज्यादा है, और कैरोटीन एक पिगमेंट का काम करता है, आपको पता है कैरोटीन प्रेजेंट होता है तो येलो कलर देता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फेरिटिन यानी आयरन होता है, उससे भी ये रिच होता है। इसका कलर आपको गोल्डन कलर में देखने को मिलेगा, क्योंकि कैरोटीन है, कैरोटीन अपना कलर तो देगा ही। Still, 7 genes are introduced of which 4 are responsible for beta carotene and remaining 3 for ferritin. इसमें 7 जीन मिले इनका क्रॉस करवाने के बाद, जिसमें से 4 तो बीटा कैरोटीन, कैरोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए के लिए, और 3 है वो फेरेटिन यानी आयरन के रिचनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो है इंगो पोट्रिक्स और डॉक्टर पीटर बेयर ने 1999 के अंदर जर्मनी के अंदर डेवलप किया था, 1999 में इंगो पोट्रिकस और डॉक्टर पीटर बेयर ने डेवलप किया था।
इसीलिए इंगो पोट्रिकस को फादर ऑफ गोल्डन राइस कहा जाता है। ये लाइन तो आपने रट रखी होगी पहले से, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुछ और राइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइस एग्रोनॉमी वॉज रिटन बाय राजेंद्रा प्रसाद। राजेंद्रा प्रसाद ने राइस एग्रोनॉमी बुक है उसको पब्लिश किया था। फंडामेंटल ऑफ राइस क्रॉप रिसर्च ये लिखी गई थी योशिडा। योशिडा जो है उन्होंने लिखी थी फंडामेंटल ऑफ राइस क्रॉप रिसर्च। नेक्स्ट है वी शेप कल्टीवेशन इन राइस वाज गिवन बाय मेटसुशिमा। देखो जो वी शेप कल्टीवेशन है राइस का वो दिया था मेटसुशिमा ने दिया था। नेक्स्ट है एरोमेटिक राइस इज ऑफ टू टाइप बासमती एंड शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस। एरोमेटिक जो राइस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बासमती एक छोटे दाने का भी होता है। द वर्ड बासमती इज ड्राइव फ्रॉम, ये जो बासमती शब्द है ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक बासमती का मतलब माना जाता है अर्थ और ये मतलब उसकी प्रेगनेंसी रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक हिंदी में वास का मतलब होता है प्राकृत और मति का मतलब होता है मेयप, है ना। तो वास मति से बना हुआ है। वास का मतलब सीधा सीधा हो गया एरोमा और मति का मतलब हो गया ग्रेन्स, ठीक है। तो वासमती जो शब्द है वो वास प्लस मति से बना हुआ है जिसका मतलब है एरोमा ग्रेन, एरोमेटिक ग्रेन्स, जो खुशबू वाले ग्रेन्स होते हैं उसी को बासमती। आपको पता है बासमती राइस में खुशबू आती है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इमेज से समझने की कोशिश कर लेना। लीप कलर चार्ट, देखो लीप कलर चार्ट डेवलप बाय IRRI एंड फिलिपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों के कंबाइंड एफर्ट की या कोलाबरेटिव इफेक्ट से ये मतलब डिस्कवर किया गया था, है क्या। इट इज यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नीड टू राइस क्रॉप। इससे ये पता लगाया जाता है कि नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन क्या है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या है। इसमें 6 स्ट्रिप अपने काम में लेते हैं, मैंने यहां पे 5 स्ट्रिप दिखा रखी है, इसमें 6 स्ट्रिप काम में लेते हैं। और हर एक राइस के लिए अपने, जैसे कोई भी राइस की स्पीसीज है वेराइटी है उसके हिसाब से उसका कलर होता है। मान लो कि ये उसका नेचुरल कलर है लेकिन लीफ ये कलर दे रही है, तो अभी अपने इसको नाइट्रोजन एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी। अब समझने की कोशिश कर लेना। नंबर 1 इज द मार्केट इज द ग्रीन एंड नंबर 6 इज द पेल ग्रीन। देखो जो एक नंबर है उसको पूरी ग्रीन बनाएंगे और जो 6 नंबर है वो पेल ग्रीन होगा, यानी हल्का ग्रीन कलर होगा। फॉर मैचिंग द लीफ विथ LCC स्ट्रिप द यंगेस्ट फुल एक्सपेंडेड लीफ इज सिलेक्टेड। जो यंग और पूरी डेवलप जो लीफ है उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने इस लीफ चार्ट के साथ उसका मैच करेंगे। अगर उसका कलर पेल ग्रीन आता है या उसका अगला आता है या उससे अगला आता है, अभी अपने उसको और नाइट्रोजन देने की रिक्वायरमेंट्स है। मान लो कि उसका कलर है वो प्रॉपर ग्रीन आता है, उसका मतलब उसमें नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है तो लाइट ग्रीन कलर होगा। अब वापस उसको ग्रीन में कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोजन एप्लीकेशन तो करना पड़ेगा आपको। तो एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप पर लाने के लिए, यानी वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफिल करने के लिए आपको 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर देना होगा एक स्ट्रिप से दूसरी में जाने में। मान लो पहले से 6 पे जाना है तो पहले से दूसरी पे जाओगे तो 30 kg, दूसरी से तीसरी पे जाओगे तो 30 kg, तीसरी से चौथी पे जाओगे तो 30 kg। इससे हमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फाउंड आउट हो जाती है और नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन पता लग जाती है। इससे अपने लगभग 25 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर तक सेव कर सकते हैं। एक तो अंदाजे से डाल रहे हैं और एक अपने इस मेथड से डाल रहे हैं। राइस रेडिंग 3-4 हाइब्रिड राइस SRI मेथड, 4-4 बासमती एरोबिक राइस, है ना। तो ये जो राइस रेडिंग होती है ये अलग अलग राइस के लिए अलग अलग होती है और उसके हिसाब से ही अपने नाइट्रोजन का एप्लीकेशन देते हैं। आपसे पूछ ले लीप कलर चार्ट है वो किसने डेवलप किया, LCC है वो किसने डेवलप किया था, IRRI और फिलिपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके कोलाबरेटिव एफर्ट से ये डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन फाइंड आउट करने के लिए मेथड काम में लिया जाता है। तो ये अपना राइस कल्टीवेशन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने सीरियल क्रॉप में नेक्स्ट क्रॉप पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।